आपने माइक्रोस्कोप के बारे में तो सुना ही होगा और बल्कि कई लोगों ने इसे इस्तेमाल भी किया होगा। अब तो कई स्कूल्स में इसे बच्चों की प्रयोगशाला में भी रखा जाता है और तो और उनकी किताबों में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। फिर भी जिनको इसके बारे में नहीं पता, चलिए उनको हम बता देते हैं। दोस्तों, माइक्रोस्कोप विज्ञान की दुनिया का एक ऐसा यंत्र है जो उन चीजों को भी आसानी से देखने में मदद करता है जिन्हें हमारी नंगी आंखों से देख पाना नामुमकिन है। हालांकि हम इसे अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही इसे हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। आपने फिल्मों और नाटकों में भी इसका इस्तेमाल होते हुए देखा होगा कि किस तरह से इसका इस्तेमाल करके अलग अलग चीजों का पता लगाया जाता है। एक बार इस चीज को अलग रख कर कि हमारे शरीर पर इंजेक्शन लगने के बाद या किसी मच्छर के काटने के बाद उस जगह पर हमारी स्किन कैसी हो जाती है, अगर नहीं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिंगर टच। दोस्तों, आपने एक चीज तो सुनी ही होगी कि आजकल के टाइम में हर चीज सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के इशारे पर ही हो जाती है, और अगर ध्यान दिया जाए तो ये बात सच भी है। कुछ भी चाहिए हो या कहीं भी जाना हो, सिर्फ एक टच से ही सब कुछ हो जाता है। खाना बनाने से लेकर खरीदारी करने तक, चाहे फिर वो कपड़ों की खरीदारी हो या सब्जियों की, सब कुछ फोन पर सिर्फ एक टच से ही हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ भी लेने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हाथों के इन्हीं टच को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो क्या दिखेगा? सोचो सोचो। चलो हम आपको दिखा ही देते हैं। दोस्तों, जब उंगलियों को ध्यान से देखा तो उसमें कई तरह की लाइनें दिखाई दी और साथ ही उनमें से आता हुआ पसीना भी। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कभी भी किसी के भी फिंगरप्रिंट किसी और से क्यों नहीं मिलते? तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर उंगलियों को इसी तरीके से और जूम करके देखा जाए तो इसमें लकीरों पर आई हुई उबड़ खाबड़ लाइंस भी दिखती हैं। यही टेढ़ी मेढ़ी लाइन में बाकी दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट को अलग अलग बताती है। वैसे ये देखने में काफी सुंदर लग रहा है ना? दोस्तों, रेत पत्थरों के कई अरबों करोड़ों कणों से मिलकर बनी होती है, पर आपसे कहा जाए कि सिर्फ एक कण को देखिए या अपने हाथ में लीजिए तो ये घास में सुई ढूंढने के बराबर होगा। वहीं अगर रेत को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखें तो इसमें पत्थर के कई कण दिखेंगे जो कि दिखने में काफी ज्यादा रंग बिरंगे और अट्रैक्टिव लगते हैं। साथ ही ये देखने में हाथ में पहनने वाली अंगूठी में लगे नगों जैसे भी लगते हैं। नमक। दोस्तों, अगर हम नमक की बात करें तो नमक और रेत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। रेत की तरह जब नमक को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो एक तरह से क्रिस्टल की तरह दिखाई देते हैं और सफेद और चौकोर आकार में। नमक को जूम करके देखने में काफी अलग सा लगता है, बिल्कुल किसी हीरे की तरह। बॉल पेन। दोस्तों, आपने बॉल पेन के बारे में तो सुना ही होगा, बल्कि इस्तेमाल भी करते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं बॉल पेन कैसे इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बॉल पेन की निब पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है जिसे देख पाना आसान नहीं होता। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो ये बॉल भी साथ साथ ही घूमती रहती है, जिसके कारण पेन के अंदर की स्याही हमारी नोटबुक पर छप जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बॉल इतनी छोटी होती है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाना नामुमकिन होता है। लेकिन अगर इसे हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में कौन नहीं जानता? कोरोना वायरस कितना खतरनाक है ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, और अब तक कितनी तबाही ये फैला चुका है इसका आप सभी को अंदाजा होगा ही। पर क्या आपको पता है कि ये वायरस आखिर दिखता कैसा है? यही जानने के लिए एक बार एक डॉक्टर्स की टीम ने एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मास्क को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। जब उस मास्क को ध्यान से देखा गया तो शुरुआत की परतों पर तो कुछ नहीं मिला, पर और भी ज्यादा जूम करने पर उस मास्क की आखिरी परत में आखिरकार वायरस का बैक्टीरिया मिल ही गया। ये दिखने में काले रंग का था और साथ ही बहुत डरावना भी। ह्यूमन स्किन। दोस्तों, माइक्रोस्कोप के बारे में पता होने के बाद आपने कभी ना कभी तो अपनी खुद की स्किन को जूम करके माइक्रोस्कोप में देखने का सोचा ही होगा। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। और हमारी स्किन आखिरकार अंदर से दिखती कैसी है, या यूं कहें कि स्किन के अंदर आखिर होता क्या है? दोस्तों, अगर हम हमारी स्किन को ध्यान से देखें तो ये कई तरह की परतों में दिखाई देती है। इन्हीं परतों की सबसे आखिरी परत में हम हमारे शरीर से निकला हुआ पसीना भी देख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंजेक्शन। दोस्तों, इंजेक्शन लगाना तो किसे ही पसंद होता है, बच्चा तो बच्चा, इसका नाम सुनते ही बड़ों की भी डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंजेक्शन वाली जगह दिखती कैसी होगी?
दोस्तों, अगर इंजेक्शन लगाई हुई जगह को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो दीवार में करे हुए एक बड़े गड्ढे की तरह दिखता है, और जिस जगह पर इंजेक्शन लगा होता है उसके आसपास की स्किन भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। इतना ही नहीं, अगर इंजेक्शन की जगह किसी मच्छर ने भी काटा हो तो भी वो जगह कुछ ऐसी ही दिखती है, इंसानी हड्डियां। दोस्तों, अगर बात इंसान की स्किन की गई है तो इंसान की हड्डियों को भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम इंसान की हड्डी को भी माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें जूम करने पर कई तरह के गड्ढे दिखाई देते हैं, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इतने सारे छेद होने के बावजूद भी हमारी हड्डियां बाहर से कितनी मजबूत होती हैं। तो आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं? सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बताइए। मोर पंख। दोस्तों, मोर के पंख देखने में कितने सुंदर लगते हैं, है ना? और तो और, बचपन में आपने अपनी किताबों के अंदर मोर का पंख तो जरूर रखा ही होगा, और ये भी सोचा होगा कि एक दिन ये पंख बड़ा जरूर होगा। वैसे सोचा है तो जरा थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। दोस्तों, मोर पंख में सबसे अलग बात उनका रंग और उनकी बनावट होती है। इन्हीं मोर पंखों को जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो इसमें कई तरह के अलग अलग रंग पाए गए, और उनके पंख बिल्कुल किसी बालों की तरह बटे हुए थे, जो कि देखने में काफी अलग थे। शार्क मछली। दोस्तों, एक होती है नॉर्मल मछली जिसे हम खाते हैं, एक होती है शार्क मछली जो हमें खा जाती है। और वैसे भी शार्क मछली के बारे में तो कौन नहीं जानता। जिस तरीके से शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, उसी तरीके से शार्क को समुंदर का राजा कहा जाता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो शार्क मछली से डरता नहीं होगा, पर वहीं अगर शार्क मछली की स्किन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो उसकी स्किन कुछ अलग ही तरीके की दिखती है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी दीवार के पेंट को खुरच दिया गया हो, वेलक्रो टेप। दोस्तों, आप लोगों ने वेलक्रो टेप के बारे में तो सुना ही होगा, और सुना ही क्या बल्कि इस्तेमाल भी किया होगा। यहाँ तक कि अभी भी आप लोगों के पास कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जिसमें इस टेप का इस्तेमाल हो रखा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये टेप आखिरकार इस्तेमाल होती कैसे होगी, किस तरीके से ये एक दूसरे से इतनी टाइट चिपक कर रहती होगी? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, उसे बताने के लिए हम है ना। दोस्तों, अगर आप इस टेप को ध्यान से देखें तो इसकी एक तरफ रुएदार तो वहीं दूसरी तरफ कांटेदार होती है। वहीं अगर हम इन्हें जूम करके देखें तो हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरीके से वो रुई उन कांटों में जाकर फंस जाती है और अपनी पकड़ को टाइट कर लेती है, और जब हम इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये जल्दी छूटती भी नहीं। जीभ। दोस्तों, इंसान की स्किन और उनकी फिंगरप्रिंट की बात तो हो गई, तो क्यों ना एक नजर इंसान की जीभ पर भी डाल ली जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इंसान की जीभ, इसको भी माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। देखा क्या जा सकता है, बल्कि देखा भी गया है। हमारी जीभ में 2000 से 4000 तक के स्वाद चखने के लिए अलग अलग छिद्र होते हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें टेस्ट बड भी कहते हैं। ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे जीभ में कई तरह के कांटे लगा दिए गए हों। यही वो बड होते हैं जिनकी वजह से हम आसानी से टेस्ट का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि उनकी जीभ का स्वाद खत्म हो चुका है। इसका कारण भी यही बड होते हैं। ये जब खत्म होने लगते हैं तो अपने आप ही जीभ का स्वाद खत्म हो जाता है, और उस वक्त इंसान कोई भी स्वाद का पता नहीं लगा सकता। वैसे अगर किसी को खाने का स्वाद ना आए तो उसके लिए तो हर तरह का लजीज खाना भी पानी के बराबर है। क्यों, सही कहा ना हमने? वेल, दोस्तों, आपको इन सब चीजों को इतना पास से देखकर कैसा लगा बताइए, बताइए कमेंट करके। आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार रहता है हमें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।